अपने फेसबुक प्रोफाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। थ्री वर्टिकल लाइंस पर आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके जाना है वहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद में आपको जाना है अकाउंट सेंटर, सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक करिए। आपको उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है, उसके बाद अपने पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। अपनी पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर से डीएक्टिवेट और डिलीटेशन वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद अभी फेसबुक प्रोफाइल को टैप करना है। टच करने के बाद में नीचे डिलीट अकाउंट और डिलीट अकाउंट परमानेंट अकाउंट, उस पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। सिलेक्ट करने के बाद में देन अपनी प्रोफाइल पर जो पेज होगा वो भी आ जाएगा, उसको भी टैप करके कंटिन्यू करिए। आपका पेज भी प्रोफाइल के साथ में डिलीट हो जाता है, तो उसको भी कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करिए। नीचे अपने अकाउंट पे जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं उसमें एक रीज़न देना होगा क्यों डिलीट करना चाहते हैं। रीज़न देने के बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, देन ये आपको फिर से क्लिक करने के बाद में नीचे डीएक्टिवेट योर अकाउंट टेम्परेली होता है, और सबसे नीचे यहाँ पर परमानेंटली डिलीट ऑप्शन पर कंटिन्यू क्लिक करिए। नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करिए, अपने प्रोफाइल आ जाएगी। उसका री एंटर पासवर्ड री एंटर करना पड़ेगा, यानी कि पुनः अपने पासवर्ड को एंटर करिए। और उसके बाद में पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पासवर्ड भूल गया हूँ, अब उसको याद करके यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और अब मैं इसको इंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपना पासवर्ड वगैरह सब याद करके लिख के रखिए। कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करिए, नीचे आइए, देखिए डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट अकाउंट पर क्लिक करिए और उसके बाद में आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।